नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अफगान राष्ट्रपति ने पाकिस्तान को आतंकवादियों को पनाह देने के लिए लताड़ा। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने पाकिस्तान द्वारा आतंकियों को सेफ हेवन दिए जाने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि अलकायदा और तालिबान से निपटने से बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान से रिश्ते बनाना। गनी ने कहा कि ये समझना मुश्किल होता है कि जब पाक कहता है कि वह किसी टेररिस्ट गुट को अपना संविधान बदलने की इजाजत नहीं देगा और उन पर कार्रवाई करने के लिए एक नेशनल एक्शन प्लान तैयार करेगा, वहीं पाक का दूसरा गुट सरकार की कई बातों को दरकिनार कर अफगान में आतंक और मौत का खेल खेलता है। गनी ने ये भी आरोप लगाया कि जो आतंकी हमारे यहाँ घायल हो जाते हैं उनका पाकिस्तान के हॉस्पिटल में खुलेआम इलाज चलता है। जिनको अफगान टेररिस्ट बताता है वो पाकिस्तान में मीटिंग करते हैं। गनी ने ये भी कहा कि मैं क्वेटा में रह रहे तालिबान आतंकियों के एड्रेस भी दे सकता हूँ। राजनाथ ने सुरक्षा बलों से कहा कि पैलेट गन के इस्तेमाल से परहेज करें। घाटी में सामान्य स्थिति बहाल करने में मदद के लिए कश्मीर में लोगों से अपील करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राज्य के साथ केंद्र सिर्फ जरूरत आधारित नहीं बल्कि भावनात्मक संबंध चाहती है। दूसरी ओर लोगों की मौत पर अफसोस जताते हुए सिंह ने युवाओं से पथराव न करने की अपील की और कहा कि उन्होंने सुरक्षा बलों को पैलेट गन के उपयोग से यथासंभव परहेज करने को कहा है। जब उनसे पूछा गया कि क्या भारत अपने राज्य कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के साथ बातचीत करेगा तब सिंह ने कहा कि किसी तीसरे ताकत को शामिल किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि यह कौरव पांडव के बीच का धर्म युद्ध है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार कौरव और पांडव की तरह धर्म युद्ध लड़ रही है। दिल्ली पुलिस द्वारा ओखला से आप विधायक अमानतुल्ला खान की गिरफ्तारी से भड़के केजरीवाल ने मोदी पर बरसते हुए कहा कि उन्होंने सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों को आप विधायकों के पीछे लगा दिया है। उल्लेखनीय है कि अमानतुल्ला खान के खिलाफ एक महिला ने उन्हें कुचलकर मारने की धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज कराया है। आरोपों के चलते अमानतुल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पंजाब पुलिस ने मेहरौली के आप विधायक नरेश यादव को गिरफ्तार किया है। वे 24 जून को मलेरकोटला में पवित्र ग्रंथ अनादर कांड में आरोपी है। दोनों गिरफ्तारियां दिल्ली से हुई है।